बच्चों जय हिंद। जय हिंद सर। आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सुना होगा आपने, है ना, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a पता है तो b निकाल लो, b पता है तो a निकाल लो, ठीक है। तो आज का टॉपिक एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी। सारे लोग अलर्ट मोड पे रहें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, खुद भी देखें दूसरों को भी दिखाएं। पढ़ेगा इंडिया जब भी, तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, वेरी गुड। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है आज वाले टॉपिक के अंदर, और आज वाले टॉपिक के अंदर जितने भी एंगल आपको दिखेंगे सारे ऊबड़ खाबड़ एंगल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ऊबड़ खाबड़, उल्टे सीधे एंगल, जो अननोन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के अंदर नहीं है, ठीक है। जैसे आपको दिखेगा 73 डिग्री एंगल, 73 डिग्री, 17 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री, 89 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 81 डिग्री, इस तरह के एंगल आपको दिखेंगे। ऑलराइट तो इस तरह के एंगल की टेबल तो आपने नहीं देखी शायद, आपने तो स्पेसिफिक एंगल की टेबल देखी थी जिसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 69, ठीक है। लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो इनकी भी टेबल होती है, जैसे लॉग टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है आगे जाके, ठीक है। इनकी वैल्यू हम बना नहीं सकते, वो हमें एग्जाम के अंदर टेबल दी होती है, हर एंगल की टेबल होती है। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे ना, ये एंगल और ज्यादा टूट जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे ये। खैर डरो मत, अभी इतना ही देखते हैं, बहुत आसान है। देखो चीजें डिटेल में पढ़ते हैं तो मजा भी आता है। दो तरह के लोग होते हैं, करने वाले भी होते हैं और आलसी भी होते हैं। तो आप सब तो अच्छे बच्चे हो, आप भी अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल, जैसे दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हुआ तो इस तरह के सवालों की बात होगी। इसमें हमेशा पेयरिंग बनेगी, पेयरिंग, जो भी दो एंगल होंगे उनका सम हमेशा और हमेशा 90 डिग्री बैठेगा। ऑलराइट कैसे बैठेगा देखते हैं। ओके एंगल आपके सामने आ गए ना, कोई भी एंगल अभी आपके सामने 90 डिग्री से बड़ा नहीं आएगा टेंथ क्लास में। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा, लेकिन टेंथ क्लास में नहीं आएगा, सारे एंगल ऐसे ही आएंगे। ओके चलो जी, तो देखो बेटा कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं आपके सामने, कुछ रूल्स आ रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर थीटा आपको दिख रहा है, जो आपको थीटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगी। यानी जो भी थीटा आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है, लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 89 डिग्री और 89 डिग्री, और 0 डिग्री भी हो सकती है और 90 डिग्री भी हो सकती है। मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है, 90 डिग्री भी हो सकती है और उसके बीच की होगी टेंथ क्लास में। आगे जाएंगे तो और भी आएगी, वो तो आगे की वो बात। भाई जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्लास हमारी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। जब तो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, टेंथ स्टैंडर्ड, इलेवेंथ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है या नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो बच्चे ये तुम्हारे कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना जो भी यहाँ पर आपको थीटा है, थीटा की वैल्यू 0-90 के बीच में कुछ भी हो सकती है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी होता है क्यू, हर क्यू का जवाब मैथमेटिक्स में अवेलेबल है, हर क्यू का जवाब। तो हम भी उसको देखेंगे, अभी एप्लीकेशन की वीडियोस देखते हैं, उसके बाद प्रूफ की वीडियो की सीरीज बनाएंगे पूरी। ऑलराइट तो बेटा याद रखना साइन 90 माइनस थीटा आंसर आएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आंसर आएगा साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले बच्चों याद हुए कि नहीं हुए? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, 90 गायब, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस चिली पटेटो, कॉस चिली पटेटो, कॉस 90 माइनस मोमोज, साइन मोमोज। आगे समझ में? इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा होगा, जो यहाँ पर लिखा होगा वही बदलाव होके आ जाएगा, है ना, जो यहाँ लिखा है वही आ जाएगा। साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, दोनों बातें वाइस एंड वर्सा है।
तो बताओ ये दो फॉर्मूले के एक से समझ में आ जाएगा, साइन का याद है तो कॉस का याद है। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्त, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा थीटा। लो जी भाई साहब ये भी अपने आप में एक पेयर बन के हो गया तैयार, ये भी अपने आप में पेयर है। ठीक है मैं बोलता हूँ टेन 90 माइनस ए, आंसर बोलो कॉट ए। मैं बोलता हूँ टेन 90 माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री। अब आगे समझ में, जैसा देश जैसा देश जैसा एंगल वही यहाँ आ जाएगा। ओके कॉट 90 माइनस बर्गर, टेन बर्गर, कॉट बर्गर नहीं टेन बर्गर। ठीक है तो ये बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। बेटा ये फॉर्मूले वाइस एंड वर्सा हैं, तो देखो देखने के लिए आपके सामने तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन एक्चुअली ये तीन फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूला एक, ये फॉर्मूला दो, ये फॉर्मूला तीन। ठीक है मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, थीटा की वैल्यू जो भी होगी या तो जीरो डिग्री या 90 डिग्री या इसके बीच की बराबर भी हो सकती है। और थीटा लिखाओ, थीटा लिखाओ, ए लिखाओ, बी लिखाओ, सी लिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात पकड़ में आगे दोस्तों, बढ़ जाए आगे, याद रखना आप। ठीक है चलो जी, तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सिर्फ दो बताऊंगा। चार क्वेश्चन आपके सामने, मैं सिर्फ दो बताऊंगा, दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो क्वेश्चन आप करोगे, अभी करोगे ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है आप लोग भी, तो देखो एक क्वेश्चन में ये बताता हूँ और एक क्वेश्चन में आपको ये बताता हूँ। ठीक है बाकी क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए, भाई आपको भी तो करना है ना। देखो मैथ्स तो लिख लिख के होती है, मैथ्स तो लिख लिख के होती है, कॉन्सेप्ट को सीख लो और मैथ्स को लिख कर कर लो, तैयार हो जाएगी, डरना नहीं है बस। ठीक है और तुम सब चैंपियन होने से भी। देखो जी सॉल्यूशन, कुणाल बेटा देख ये चीज है ध्यान रखना, जब भी दो पेयर बनेंगे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो भाई इन दोनों का सम 90 है। yes, sir, yes. अब टेक्निक सीख लो हाउ टू सॉल्व, पीयूष हाउ टू सॉल्व, देख लो जरा। चिंटू साइन 18 डिग्री लिखा हमने यहाँ और यहाँ लिखा कॉस 72 डिग्री। बेटा इन दोनों में से कहीं एक जगह फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों में से कहीं एक जगह फॉर्मूला लगेगा, या तो ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ आपकी मर्जी। मान लो इस ग्रुप ने ऊपर लगा दिया इनका भी आंसर सेम आएगा, इस ग्रुप ने नीचे लगा दिया इनका भी आंसर सेम आएगा, टीचर दोनों मेथड को सही मानेंगे। ठीक है आपकी मर्जी है ऊपर लगा लो या नीचे, मतलब दोनों का सम 90 है तो आपकी मर्जी है कहीं पर भी लगा लो। बताओ ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं, नीचे लगा दिया कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊपर ही लगा दूं, पक्की बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखो ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला लगाना सीख लो। ठीक है इधर देखो, ठीक है नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपने बोला था ऊपर लगाओ, इसलिए नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ पर 90 लिखना है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से क्या लिखना है तुम्हें यहाँ पर 90। फिर यहाँ माइनस लगाना है, हमेशा माइनस ही आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा माइनस आता है, टेंथ क्लास में माइनस आता है हमेशा, टेंथ के बाद जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो वहां प्लस भी आएगा। भाई क्लास अगर बढ़ेगी तो सोचने की शक्ति भी तो बढ़ेगी, आप लोग और ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। ठीक है तो डिटेल में और ज्यादा आगे आगे आता जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान है, डोंट वरी। हाँ जी भाई साहब 90 लगाना है, माइनस लगाना है, 18 को हटा देना है और दूसरा वाला एंगल यूज करना है इसकी जगह, ये है भाई लॉजिक। ठीक है फिर बता रहा हूं, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही रखना है, जहां पर आप फॉर्मूला लगा रहे हो एंगल पर अटैक होगा, एंगल पर, कहां पे अटैक होगा, एंगल पर। आई वॉन्ट टू हियर वंस अगेन, एंगल पर, एंगल पर अटैक होगा, 18 पे अटैक हो रहा है तो 18 को हटा दो और 90 माइनस, और ये दूसरा वाला एंगल वो है जो नीचे वाला है, ऊपर लगा रहे हो तो नीचे वाला इस्तेमाल, और नीचे लगा रहे हो तो ध्यान से देख लो भाई, 90 में से 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही तो बचेगा, अभी भी 18 ही तो है, अरे हाँ या ना, अभी भी 18 ही है। ओके अब लगाओ अपना वाला फॉर्मूला जो आपने याद किया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये थीटा है बोल देना आप चिली पटेटो, तो दिस इज
चिली पोटैटो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा इसका, कॉस 72, और अपॉन में तो कोई वही नहीं हो रहा चेंज, ये क्या बोल रहा है मुझे काट दो और आंसर वन। बोलो बच्चों बात पकड़ना है, आसान है क्या सीखे, फॉर्मूला एक जगह लगेगा, या तो ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, जहां पर लगा रहे हो वहां पर एंगल पर अटैक होगा, कहां पे अटैक होगा एंगल पर, क्या करना है वहां पर 90 लिखना है अपनी मर्जी से, माइनस लगाना है, और थीटा वो लेना है जो दूसरे वाले का है, जो दूसरे वाले का ले लो, देखो अभी भी ये 18 ही लिखा हुआ है, अभी भी ये 18 है, फिर लगा दो अपना फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा है ये थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बनता है कॉस थीटा, कॉस से कॉस और आंसर आ, रीजन हमेशा आपको देना है, रीजन हमेशा आपको देना है। वन मोर आ गया, ये ले लेता हूं मैं, ठीक है चलिए जी इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये एक ये, फॉर्मूला एक जगह लगाऊं के दो जगह लगेगा, एक जगह लगेगा, और देखो दोनों एंगल का सम 90 होगा, देख लो 100% 90 होगा, है ना, तो पहले वाले में लगाऊं के बाद वाले में, कहीं पर भी लगा लो, कहीं पर भी लगा लो बात एक है, तो मैं यहाँ लगाता हूँ, कैसे लगाते हैं देख लो, कॉस को नहीं छेड़ना, अटैक कहाँ होता है एंगल पे, क्या करूं मैं यहाँ पे माइनस थीटा 42, बिल्कुल सही जवाब, यानी थीटा वो लेना है जो अनयूज्ड है, जो दूसरा वाला है, क्योंकि अभी भी देखो ये 48 ही दिख रहा है, अभी भी देखो ये 48 ही दिख रहा है। आगे बढ़ाओ बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अरे भाई ये चिली पोटैटो है जो तुम बोल रहे थे अभी, मोमोज, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी कौन है साइन 42, और देखो सेम टू सेम चीज है, कट जाती है ये प्लस में और ये माइनस, आंसर जीरो आ गया, जीरो इज द आंसर, ठीक है, यहाँ पर आया जीरो क्योंकि प्लस माइनस में था, यहाँ पर डिवाइड में था, तो दिस इनटू दिस करके वन आया, व्हाट योर आंसर, इन सब के कमेंट बॉक्स में आंसर सब डालेंगे सॉल्व कर करके, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, बोल रहा है शो करो प्रूफ करो, एक क्वेश्चन ये रहा एक क्वेश्चन ये रहा, अगेन अगेन देखो, जैसे देखो ये दो क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, तो आप देख रहे होंगे इन दोनों का सम 90 होगा, है ना, तो इन दोनों में से किसी एक में फॉर्मूला लगेगा, किसी एक में लगेगा, या तो इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, ऐसे देखो इन दोनों का सम 90 होगा, यहां पर भी किसी एक में लगेगा, फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाए सवाल का, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, हो जाएगा, इसका सम 90 है ना, हाँ 90 है, चलो एक बार मैं ये बताता हूँ आपको पहले, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड बताता हूँ पहले, ये कितना है 10 48, अच्छा देखो यहाँ पर ना सारी चीजें मल्टीप्लाई में बच्चों, ठीक है सारी चीजें मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड ले रहा हूं मैं, करते करते इसका आंसर ना 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आंसर इसका 1, ध्यान देना बेटा 48 के पास वो लिख लो जिसका सम 90 बन रहा है, इसे लिख दूं 10 42, तो ये पेयर बन गया, और देखो बच कौन गया 10 23 बच गया और 10 67, यहाँ तक बोलो बच्चों कोई दिक्कत वाली हुआ तो बात आ गया समझ, अभी भी सारा मल्टीप्लाई में है ये, अभी भी सारा मल्टीप्लाई में, अब भाई दो चीजें मल्टीप्लाई में किसी एक में लगाओ, इस इन दोनों के लिए मैं इसमें लगा देता हूँ, इन दोनों के लिए मैं इसमें लगा देता हूँ, देखते हैं जरा क्या होने वाला है, ये कितना है 10 48, 10 ही रखूंगा 90 लूंगा माइनस थीटा 42 लूंगा, दीपांशु ये तो ऐसी रहेगा, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना, ठीक है ब्रैकेट हटा दुर्घटना घटा, ये क्या 10, इसमें भी लगा दो 10 की 10 लिखा हुआ है n, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा कौन सा लूंगा दूसरा वाला, और वो ऐसी रहेगा, भाई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आ रहा है क्या बच्चों, ये दिक्कत आ रही है, फॉर्मूला लगा दो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, बताई तो तुम्हें 10 90 माइनस थीटा ये थीटा तो कॉट थीटा, वो वाला 10 42 ऐसी रहेगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्त, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ये भी ऐसी रहेगा, ये 10 67 हो गया, आगे बढ़ते हैं, कॉट को बेटा ऐसे बोल दूं 1/10, कोई दिक्कत है, याद करो रिलेशन, देखो एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा को आप 1/cot थीटा बोल सकते हो, टेन थीटा को आप 1/cot थीटा बोल सकते हो, ये फॉर्मूला है, टेन याद करो पंडित
हर हर भोले सोना चांदी तोले, याद आ गया? क्या था वहाँ पे? टेन क्या होता था? पी बाई बी, तो कॉट क्या होता था? तो मतलब टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, टेन है तो ऐसा बना लो, और अगर कॉट है तो ऐसा बना लो, मर्जी आपकी, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। तो कॉट 42 को मैंने बोल दिया टेन 42, मल्टीप्लाई में इसको ऐसी रखो, बदलाव सिर्फ एक में करो, चेंज सिर्फ एक में करो। यहाँ भी देखो कॉट है ये, तो ऐसे बोल दो से 1/10 कितना 67, ये कौन है साथ में 10 67, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में कट गए, मल्टीप्लाई में कट गए, सारे कट गए, तो 1 × 1 बचा, आंसर हमारा क्या आया 1। तो देखो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, क्या हो गया ये हैंस प्रूफ, कर लोगे? यस सर। यहाँ कैसे होगा, यहाँ एक में लगेगा या किसी एक सेट में लगेगा? किसी एक सेट में, एक सेट में लगेगा, या तो इन दोनों में ही लगा लो या फिर इन दोनों में लगा लो, ऐसे बनेगा यहाँ पर। रीजन देखो, देखो ये कॉस कॉस है, यहाँ लगाओगे तो ये साइन साइन बन जाएंगे और फिर कट जाएंगे, और यहाँ लगाओगे देखो साइन साइन है, कॉस कॉस बन जाएंगे। क्यों? अरे 90 माइनस थीटा लगाने से साइन क्या बन जाता है? कॉस। कॉस क्या बन जाता है? साइन। टेन क्या बन जाता है? कॉट। कॉट क्या बन जाता है? टेन। हिसाब से देखना पड़ेगा, हिसाब से देखना पड़ेगा। कर दूं क्या? कर देता हूं, चलो। तो यहाँ लगा रहा हूं मैं, कॉस है ठीक है, 90 ठीक है, थीटा कौन सा लू भाई? 38 है, 52 लूंगा। रीजन इनका, इनका सम 90 होना चाहिए ना, और वैसे भी देखो 90 में से 52 लेस होगा तो 38 ही आएगा। चीजें बदलनी नहीं चाहिए, चीजें बदलनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कॉस है बेटा, कॉस ही रहेगा, 90 माइनस ये कितना है 52, कितना लू 38। ध्यान रखना जहां पर फॉर्मूला लगा रहे हो वो एंगल इस्तेमाल नहीं होता, उसको छोड़कर उसका कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल होता है। बाकी ये चीज तो जैसी है वैसे की वैसी लिख दो, क्योंकि बदलाव सिर्फ एक में होगा बच्चों, बदलाव सिर्फ एक में होगा। अच्छा जी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 52 बचेगा, फिर देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 38 बचेगा, ये कौन है इधर साइन 38, ये कौन है साइन 52। बेटा ये तो सेम सेम बन गया, देखो सेम सेम है, नहीं समझे? साइन इंटू साइन और साइन इंटू साइन, आगे पीछे है लेकिन मल्टीप्लाई में तो एक जैसे ही है यार। ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए बोलो, बात एक है या अलग है? टू इंटू थ्री बोलो या 3 × 2 बोलो, 6 आ रहा है ना दोनों के, तो बात एक है। तो यानी ये पूरा का पूरा इस पूरे से कट गया और जीरो इज द आंसर। लो जी दोनों सवाल मैंने आपको बताया, हैंस प्रूफ, दोनों सवाल मैंने आपको बता दिए, कर दोगे? यस सर। आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? आसान है ना, तो इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो जी ये और आसान आ गया, लो बच्चों और आसान है, ध्यान रखना सवाल को पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्वेश्चन को रीड करो और डेटा निकालो, क्वेश्चन को रीड करो और डेटा निकालो के सवाल बोल क्या रहा है हमसे, ठीक है जी? देखते रहो, इसने तुमसे बोला है बच्चों कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, और इसने आपसे बोला है कि 2a अक्यूट एंगल है, अक्यूट का मतलब 2a की वैल्यू जो भी आएगी 90 डिग्री से नीचे आएगी, वो तो वैसे भी आनी है, 10th क्लास में एंगल 90 डिग्री से नीचे ही रहना है हमेशा। तो कह रहा है a बता दो, इधर देखो बेटा इधर कौन है tan, इधर कौन है cot, है ना? कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि दोनों तरफ या तो टेन टेन बन जाए या कॉट कॉट बन जाए। नहीं समझ आया? कुछ ऐसा सोचो कि दोनों तरफ टेन टेन बन जाए या कॉट कॉट बन जाए। तो देखो टेन का एंगल है ये एंगल है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे ऐसे दे दूं बेटा, ध्यान से जरा देखना इधर, ठीक है? टेन है, देखो फॉर्मूला नए तरीके से लगा रहा हूं मैं, टेन है, मैं देखो ऐसे बोल रहा हूं उसे, कॉट 90 माइनस 2a और बराबर वाले को मैं छेड़ नहीं रहा, जैसा है वैसा ही। बताओ यहां तक, बताओ कौन कौन बच्चा सेटिस्फाइड है? ऐसा लिखा मैंने इसे कॉट 90 माइनस 2a, यहां मैंने चेंज किया, यहां मैंने कुछ नहीं किया चेंज, फॉर्मूला लगाया लेकिन उल्टे तरीके से,
कौन कौन सेटिस्फाइड है बोलो, आ गया समझ? कैसे बताओ आप बताओ वैभव, कैसे हुआ ये? वहीं से बता दो, वहीं से बता दो सर। टेन टू ए का जो फॉर्मूला है सर, कॉट 90 माइनस टू ए होगा, क्योंकि सर टू ए जो है वो सर हमारा सर वो हमारा वो थीटा है, इसीलिए थीटा है। और किसको समझ आया? आ गया बताओ, अरे ऐसे बता दो, बैठे के बताओ, जल्दी बताओ। टेन टेन टू ए वो वैल्यू सर, टेन टू ए का वो फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा है ये, क्या है? अरे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90। देखो फॉर्मूला, देखो ये रहा आपके पास, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? टेन थीटा। यार कोई चीज मेरे पास ऐसी थी, मैंने उसे ऐसा लिख दिया, कुछ बुरा कर दिया क्या? बात एक है। तो इस तरीके से भी फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, याद रखोगे? तो ये आपका थीटा है, तो टेन थीटा को मैंने बोला कॉट 90 माइनस थीटा। फॉर्मूले को मैंने रिवर्स इस्तेमाल किया, फॉर्मूला वाइस एंड वर्सा होता है, फॉर्मूला वाइस एंड वर्सा। आगे समझ? यस। पक्की बात है? ठीक है जी। अब देखो कॉट उधर भी क्या है, कॉट एंगल कंपेयर हो जाते हैं बच्चों, एंगल कंपेयर। कई बार हम जोश जोश में बोल देते हैं कॉट से कॉट कट गया, बट ये बात एक्चुअल में होती नहीं है, कटता नहीं है, एंगल हमेशा कंपेयर हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन स्कूल में बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं कट गया समझने के लिए, लेकिन असली बात क्या है? कंपेयर हो रहा होता है, कटता नहीं है वो चीज, कंपेयर हो रहा होता है। तो देखो जब दो चीज बराबर है तो उनके अंदर के एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी कॉट और वो भी कॉट। तो ऐसे बोलो से 90 माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 18। अब करो ए वाले एक तरफ, है ना, जो एक जैसे उन्हें एक तरफ, जो एक जैसे उन्हें एक तरफ, तो ए इधर ले आओ, माइनस का 18 हो गया, उधर गया तो माइनस का 90 हो गया, माइनस का 3 ए हो गया, अरे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, ये कितना हो गया दोस्त? 108 हो गया माइनस का, माइनस से माइनस 3 अपॉन में 3 सा, और यहाँ कितना आया? आंसर आ गया बच्चों आपका, आंसर आ गया, दिस इज द आंसर जो आपने पूछा था। और देखो इसने आपसे क्या बोला था कि 2a अक्यूट एंगल है, a कितना है? 36, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 आएगा, वो भी तो अक्यूट ही है, आया ना? Yes, sir. तो दिस वॉज द क्वेश्चन। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, थर्ड, ठीक है, एक स्लाइड का गैप हो गया, ये रहा क्वेश्चन, ये भी देखो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये बोलता है tan a is equal to cot b, शो कर दो a plus b is equal to 90। अरे बड़े प्यार से सॉल्व होगा, ये देखो आपको आता है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आपको आता है, क्या चाहते हो आप? कुछ भी हो, या तो दोनों तरफ cot, या दोनों तरफ tan, tan किसे बदलूं? किसी एक को, tan है ना ये, cot बना लूं और 90 माइनस a लगा देता हूं, आया ना? Yes, sir. इक्वल टू में कितना है? कॉट भी, आया ना? Yes, sir. दोनों एंगल कंपेयर, ठीक है, हम क्या बोलते हैं जोश जोश में, कट गया लेकिन कटता नहीं है। तो बेटा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया, 90 इधर, ए फेंको उधर, तो प्लस का हो जाएगा, लो जी हो गया प्रूफ। यार 90 बराबर ए प्लस बी हो गया या ए प्लस बी बराबर 90 हो गया, बात एक ही है। लो जी क्वेश्चन इज डन, हेंस प्रूफ। आसान था? Yes, sir. धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं, स्टार्टिंग थोड़ी सी होती है, उसके बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं, मेहनत करते जाओगे चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, मेरा क्वेश्चन एक, ये भी देखो वही कह रहा है, sec is equal to this और acute angle है, ए बता दो। तो देखो ये दो चीजें, क्या करूं, किसी एक को बदलना है, sec को बदलू या cosec को बदलू? किसी को बदल दू। तो आपको ये बात मालूम है sec क्या होता है? cosec 90 माइनस ए। देखो यहाँ पे ए लिखा है तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे थीटा लिखूंगा तो मैं यहाँ पे भी थीटा लिखूंगा, यहाँ पे मोमोज लिखूंगा तो यहाँ पर भी मैं मोमोज लिखूंगा, जैसा देश वैसा देश। तो भाई ये सेक है तो मैं इसे कोसेक बना रहा हूँ, और 90 माइनस 4a, ए नहीं 4a, यहाँ पर a ये एंगल ये है थीटा, और इज इक्वल टू में क्या है? कोसेक है, और क्या है? a माइनस 20। तो बेटा दो चीजें इक्वल है तो अंदर वाले भी इक्वल, या फिर कट जाते हैं वो हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली कंपेयर होते हैं। 90 माइनस 4 है बच्चों, a माइनस 20 आ गया, a वाले करो एक तरफ, माइनस का हो गया,
एंगल एंगल एक तरफ कर दो, 90 को वहां ले जाओ, माइनस का हो गया, आई थिंक ये माइनस का 5 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 110 हो गया, माइनस से माइनस हो गया कट, कितना हो गया बच्चों बताओ 22 डिग्री। तो देखो इसने तुमसे बोला भी था कि 4a अक्यूट एंगल है यार, 22 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 88 की तो 90 से छोटा ही अक्यूट है। इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? इजी लग रहा है क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये बोल रहा है आपसे कि एबीसी इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, ट्राइंगल के अंदर तो तीन ही एंगल होते हैं या चार भी हो सकते हैं, तीन ही एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो एबीसी इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, ठीक है, तो ये बोल रहा है शो करो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ जाए। बड़ा भयंकर लग रहा होगा आपको ये सवाल, ऐसा भी बहुत आसान सवाल है, देखो यू सॉल्व होगा, इधर देखो जरा बहुत आसान सवाल है। एक बात बताओ बेटा, ट्रायंगल के कोई से भी तीन एंगल अंदर वाले का सम हमेशा 180 होगा कि नहीं होगा? होगा, ये स्टार्टिंग से जानते हो आप। अब देखो हर एक के अपॉन में 2 है ना, हर एक के अपॉन में क्या है 2, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर दो बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 कर दो, तो बेटा यहाँ ए प्लस बी प्लस सी पूरे के अपॉन में 2 आ गया, और यहाँ 180 पूरे के अपॉन में आ गया 2। यहाँ पर इसके हिसाब से ब्रेक करो, तो ये मांग रहा है, ये मांग रहा है बी प्लस सी बाय 2 और ए बाय 2, तो देखो जान पूछ के ना ए बाय 2 तो अलग कर लो और जान पूछ के बी प्लस सी बाय 2 अलग कर लो, कर सकते हैं क्या ऐसा? अरे एलसीएम ले लूंगा अगर मैं तो 2 ही आएगा, ये चीज दोबारा वही बन जाएगी, है ना? सवाल के हिसाब से डील होगा, अगर यहाँ पे a प्लस सी होता और वहां b बाय 2 होता तो a प्लस सी को अलग करते और b को अलग करते, अगर यहाँ a प्लस बी होता और वहां c होता तो a प्लस बी को अलग करते और c को अलग करते, अलग करना आया? और इधर तो भाई ये क्या कह रहा है 9, यहाँ तक बताओ बच्चों कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर जो इसने रोक रखा है उसे तो रोक लो, इसे रोक लो और इसे उधर की तरफ भेजो, तो कोई नंबर अपनी जगह बदलता है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आराम से लेके जाओ बी प्लस सी बाय 2 इधर ही रहेगा, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना, 90 और वो जाएगा तो ए बाय 2 आएगा, इतना बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सुपर। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, क्यों करना है सवाल में डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय हो गया 2, ये बताओ ये ब्रेक कैसे होगा? ब्रेक समझ में आ गया? क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन एग्जाम में बदल के भी आ सकता है, रट मत लेना, ठीक है, यहाँ पे b प्लस सी है तो b प्लस सी बाय 2 ब्रेक करो, a प्लस बी है तो a प्लस बी बाय 2, ठीक है, उसके बाद वो 90 हमेशा बनेगा, जो अनवांटेड है उसे उधर भेजो। अब देखो ट्विस्ट, पीयूष ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट लाना है क्या आंसर में? ये लाना है, यहाँ क्या लगा हुआ है बड़े वाले के साथ, जो बड़े वाले के साथ लगा है दोनों तरफ वो लगा दो, चिपका दो, लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ साइन लगा दो, जो बड़े वाले एंगल के साथ लगा है दोनों तरफ वही लगा दो, नहीं समझे? क्या समझे? जो बड़े वाले के साथ लगा है दोनों तरफ वही लगा दो, ये तो ऐसी रहेगा लाइफ टाइम, इसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। और बेटा ये बन गया फॉर्मूला, ये थीटा है, थीटा चिली पोटैटो साइन 90 माइनस थीटा, मुबारक हो आंसर हुआ है, कांग्रेचुलेशन, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश आंसर सीधा सब्जी मंडी से आया, ये वाला क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था और होने में इजी हो जाएगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं, तो इसके और सवाल भी आ सकते हैं एग्जाम में, घबराना नहीं है, ठीक है, चलो येरा भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां से जरा देखो इसको क्या कहता है क्वेश्चन, बोल रहा है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने शो करना दिखाना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, ये बोल रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ही दिखाओ, मतलब ये आंसर जो आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री में ही आएगा, कुछ भी आए, लेकिन ये बोल रहा है कि जो एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो अजीबोगरीब एंगल है, ये एंगल 0 और 45 के बीच में होने चाहिए, ये बोल रहा है सवाल, ये जो एंगल है ये या तो 0 डिग्री हो या 45 हो या उसके बीच के हो, मतलब 0 और 45 के बीच के होने चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है, और देखो इन दोनों का सम देखो 90 भी नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब जो एंगल यहां इस्तेमाल होगा वो ये नहीं होगा, ओके, घबराने की कोई बात नहीं है, देखो अभी सॉल्व होगा, साइन ऐसी रखो, 90 ऐसी रखो,
माइनस 90 में से क्या लेस हो कि ये नंबर आ जाए 23। आ गया समझ? 90 में से 23 लेस होगा तो यही तो आएगा। लो देखो बन गया एंगल। ऐसी यहां पर जब 90 डिग्री सम ना बने तो ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है, अटकना नहीं है हमें। कॉस यहां बताओ बेटा, अगर 90 माइनस 90 में से क्या लेस होगा, ये आ जाए 15 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलो जी फॉर्मूला, ये तुम्हारा थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस। यहां बताओ कॉस 90 माइनस थीटा साइन। लो जी बल्ले बल्ले आ गया तुम्हारा आंसर। आंसर हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आया है, और देखो एंगल जो इसने बोला था 0-45 के बीच में है तो वही हुआ। डन है? यस सर। अगली स्लाइड आ गई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, प्लीज इस काम पे जरा ध्यान दे लो, सारे लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बच्चे। और आपका होमवर्क देखो ये है आज का, 8.3 करनी है और ऑल इट्स एग्जाम्पल, सारे इसके एग्जाम्पल। ओके कर लोगे? यस सर। अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास वाली वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।